कहाँ जा रहे दोस्त बताना। हांगकांग। हांगकांग। अरे हांगकांग तो जा ही रहे हैं अभी। काफी ज्यादा सीटें वैकेंट हैं। वी हैव गॉट आवर व्हाट हांगकांग आईडी। यस सर। आदाब नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब वर्ल्ड, होप यू आर डूइंग वेल। सो कल अर्ली मॉर्निंग मेरी फ्लाइट है और तो जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि मेरा चाइना का वीजा लग चुका है। इसको अपॉइंटमेंट लिया था मंडे को और मेरा 29 को वीजा लग के मिल गया था। तो मैंने टिकट भी अभी रिसेंटली ही 4-5 दिन के अंदर ही अपना बुक कर लिया था। तो अभी जो है टाइम हो रहा है रात के 12:15 बज रहे हैं और कल ही 11 तारीख को मेरी अर्ली मॉर्निंग ही फ्लाइट है दिल्ली टू हांगकांग। और आपको पता ही है कि लगभग 32 महीने हो गए हैं, अप्रॉक्सीमेटली लाइक 3.5 साल के बाद हम वापस जा रहे हैं चाइना। तो काफ़ी दिमाग में चीज़ें हैं कि क्या छोड़ें क्या लेके जाएं, और बुक्स भी लेके जाना है, और जैसा कि अभी मेरी इंटर्नशिप भी स्टार्ट हो जाएगी तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट मुझे बहुत से ऐसे एसेंशियल चीज़ें बुक्स हो गया बहुत सी चीज़ें रखनी थी, तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया था सब कुछ। तो फाइनली अभी जाके मैं अपनी जो पैकिंग डन कर पाया हूँ और मैं आप लोग को दिखाता हूँ क्या क्या मेरी चेकलिस्ट में था और क्या क्या मैं अपना जो लगेज में लेके जा रहा हूँ एसेंशियल चीज़ें। तो एसेंशियल फूड में जो सबसे पहले मेरा है वो है ये म्यूसली मंगा लिया था, ये पर्सनली भी मुझे काफ़ी पसंद है और इसको आप यूज़ कर सकते हो हॉट वाटर या हॉट मिल्क से, ठीक है, या नॉर्मल भी मिल्क आप यूज़ कर सकते हो, ठीक, ब्रेकफास्ट के लिए इजी रहेगा आपके लिए। और ये पोहा 4 पैकेट पोहा भी मैंने ऑर्डर कर लिया था ब्रेकफास्ट के लिए, सब कुछ इसमें भी वही सेम आप हॉट वाटर इंस्टेंट मील है सब, 3 मिनट के अंदर सब इंस्ट्रक्शन दिए हुए पीछे आप पढ़ सकते हो और बस ब्रेकफास्ट के लिए चीज़। और बाकी मैंने ये नो एडेड प्रिजर्वेटिव इंस्टेंट फूड भी मंगा लिया था जिसमें से मैंने 1 पैकेट राजमा मसाला और मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 करके पीछे पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आपको बस हॉट वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। और मैंने 4 पैकेट पनीर मंगाया था जिसमें से मटर पनीर और ये 2 पैकेट मैंने पनीर बटर मसाला मंगाया था और ये 1 पैकेट मैंने पालक पनीर मंगाया था। सबके पीछे इंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ है, बस आपको हॉट वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। एक पैकेट में 2 लोग आराम से आप 2 टाइम आराम से खा सकते हो। और ये गजक खाने के बाद कुछ मीठा वाला सीन और इंडियन मसाले जो कि हम हर बार ये अपने लगेज में लेके ही जाते हैं क्योंकि मैं सेल्फ कुकिंग ही करता हूँ, तो अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं लेके जा पा रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा कुछ इतना ले जा पाऊँ कि कुछ महीने तक अपना काम चल जाए। बाकी यही चीज़ें सामने आपको दिख रही है, प्लस 1 मोर इम्पॉर्टेंट थिंग मल्टी वाइटमिन और ओमेगा 3 भी लेके जा रहा हूँ क्योंकि आपको डेली एसेंशियल वाइटमिन्स की भी नीड पड़ती है। और मुझे थोड़ा स्पेस की कमी पड़ रही थी तो मैंने डब्बे से वो पैकेट अंदर मसाले वाले निकाल के उस पर मैंने पूरा बढ़िया से टेपिंग करके और ताकि मिल ना जाए मैंने नाम वहाँ मेंशन कर दिया था। बाकी यही चीज़ें हैं जो मैं लेके जा रहा हूँ, आपके सामने पड़ी हुई हैं और देखते हैं और कुछ ऐड कर पाता हूँ या नहीं। और सबसे मोस्ट फेवरेट थिंग ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इमरजेंसी मेडिसिन, आप अपने साथ ज़रूर लेके जाए किसी भी तरह, इसको भूले नहीं, ठीक है, बहुत नीड पड़ने वाली है इसकी। ये शायद घर की मेरी आखिरी मील होने वाली है, आफ्टर हैविंग दिस मैं एयरपोर्ट के लिए निकलूँगा, तो सीधे वहीं मिलते हैं। इट्स ऑलवेज सो डिसहार्टनिंग मोमेंट टू लीव होम, लेकिन कर ही क्या सकते हैं, फ्यूचर की बात है तो घर छोड़ना ही पड़ेगा। दोस्तों अगर आप लोग को मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आगे बहुत सी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, ट्रैवलिंग और बहुत सी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होंगी। एंड इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, थैंक यू सो मच। सो अब आते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। तो जैसे ही आप एयरपोर्ट पहुंचते हो, टर्मिनल में एंट्री करते हो किसी भी गेट से, ठीक है, तो आप चेकिंग के लिए जाते हो, ठीक, एज़ यूजुअल। तो जहाँ पे चेकिंग होती है उसके जस्ट बिफोर वो उन्होंने एक डेस्क बना रखा है, वहाँ पे वो पहले आपका डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या क्या जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, हेल्थ ग्रीन कोड, ठीक है, और आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और जो आपने RAT टेस्ट किया है, ये सब आपके पास वहाँ पे होने चाहिए, आपको शो करना है। वी हैव डन आवर चेक इन, नाउ गोइंग फॉर इमिग्रेशन, राइट, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ब्रो? वेरी सिंपल।
सो वी हैव डन आवर सिक्योरिटी चेक, नाउ हेडिंग टुवर्ड्स आवर बोर्डिंग गेट। तो जो लगेज वेट हम कैरी कर सकते थे वो 30+7 था, ठीक है। तो मैंने अपने लगेज बैग में 28 kg अप्रॉक्सीमेटली मैं भर पाया, और बाकी मेरे केबिन बैग में मेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, 12 kg। थोड़ी सी बात करने पे वो मान गई कोई, क्योंकि फ्लाइट काफ़ी खाली ही थी। सो सब चीज़ें डन हो चुकी है, अब हम कहाँ जा रहे हैं दोस्त बताना? अरे हांगकांग तो जा ही रहे हैं, अभी कहाँ जा रहे हैं? सो फाइनली इतना लंबा इंतजार आज खत्म हुआ। इस दौरान लाइफ में बहुत सी अप्स एंड डाउन्स आए, बट क्या ही कर सकते हैं। नाउ गोइंग टू टेक ऑफ फॉर हांगकांग देन चाइना। देख सकते हैं काफी ज्यादा सीटें वैकेंट हैं। एयर इंडिया ने जो ये मील प्रोवाइड की थी, मैंने उनसे नॉनवेज के लिए बोला, तो नॉनवेज में मुझे ये उन्होंने चिकन सॉसेस दिया। टेस्ट तो ठीक ठाक था, इतना कुछ ख़ास नहीं था। एयर इंडिया की फ़्लाइट में जो ये फीचर मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली पसंद आया, ये आपका विंडो का कलर आप चेंज कर सकते हो इस बटन के थ्रू, वाइट कर सकते हो पूरा, मीडियम ब्लू कर सकते हो, डार्क ब्लू कर सकते हो। बस आपने बटन टैप किया और वो कलर अपने आप स्लोली स्लोली चेंज होता है। जैसे आप देख सकते हो ये वाइट और ये आगे का अभी ब्लू ही है। देख सकते हो सारे लोग सो रहे हैं 3 सीट लेके, क्योंकि मोर देन 50% ऑफ सीट वैकेंट थी, ठीक है। इसी वजह से सब लोग, इवन मैं भी पूरे रास्ते सो के गया अपनी तीनों सीटों पर। फ़्लाइट एकदम टाइम पर ही थी, कोई डिले नहीं था फ़्लाइट में, और लैंड भी अपने जो शेड्यूल टाइम था उससे 40 मिनट पहले ही किया फ़्लाइट ने। सो लैंडिंग के बाद आपको जब जैसे आप बाहर निकलते हो तो वहाँ पे आपको जो किस एरिया में कैसे जाना है वहाँ पे सब वहाँ पे जगह जगह पे वो इंस्ट्रक्शन देने के लिए खड़े होते हैं कि आपको ऐसे जाना है, इधर जाना है, इस रूम में जाना है, क्या करना है। आपको कोई ऐसे इस बात का ना सरदर्दी पालने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, सब कुछ ईजी हो जाएगा आपका। आपको बस उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, तो जैसे वो बताएं वैसे एक दूसरे के पीछे आप चलते जाओ। जैसा कि ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो लगा हुआ है। और जैसे आने से पहले बहुत से लोग परेशान होते हैं, मैं भी परेशान था क्या होगा क्या नहीं, बहुत सब कुछ इजी हो गया है ना। आपको यहाँ पे आप जैसे जाओगे पहुंचोगे, सबसे पहले आपको एच के आईडी देंगे, ग्रीन आईडी। वी हैव गॉट आवर व्हाट, हांगकांग आईडी? यस सर। एच के आई डी मिलने के बाद आपका वो PCR करेंगे और तुरंत आपको जाने दे देंगे। फिर आप ये एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने के लिए आप ये मेट्रो पकड़ोगे, और वहाँ पे जैसे आप दूसरे टर्मिनल पहुँचोगे वहाँ पे आपका इमिग्रेशन होगा। और जैसे ही हम लोग इमिग्रेशन वाले पॉइंट पे पहुँचते हैं तो हमें एक PDF आ जाता है ईमेल पे, तो वहाँ से हमने लिंक डाउनलोड कर लिया क्या क्या हमें आगे कैसे QR कोड स्कैन करना है या जो भी चीज़ें हमें करनी है वो सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद इमिग्रेशन हमने किया और अपना फिर हम लगेज लेने पहुँच गए। आपको ये आपका ये जो HK ID मिलेगा उसको संभाल के रखना है, ठीक है, उसको खोना नहीं है। तो ऐसे ही स्क्रीन पर सारी डिटेल्स वहाँ पे मेंशन हुई होती है जो हमें ईमेल्स पे आए हैं, वो सारी डिटेल्स हमें क्या करना है, कैसे QR कोड और लिंक वगैरह कैसे यूज़ करना है, कौन सी ID क्या कब, और आप आसानी से इसको देख के आप यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और रही बात फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, वो भी स्क्रीन पर सब कुछ है कि आप बस टैक्सी जो भी चीज़ें आप ले सकते हो ईज़िली।
सो फाइनली हम लोग एयरपोर्ट के बाहर आ गए हैं और अब होटल की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ कहना चाहोगे दोस्त? चाहूंगा बाद में क्या हमारे मेरे होटल पहुंचने के लिए कोई भी ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो, बस, टैक्सी और मेट्रो। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने कई जोन डिवाइड करके रखे हैं, ब्लू जोन, ग्रीन जोन, रेड जोन। उस तरह से जो टैक्सी जिस कलर की होगी उसी जोन में जाएगी, लाइक ग्रीन वाली ग्रीन में, रेड वाली रेड में और ब्लू वाली ब्लू में। अगर आपको एड्रेस में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे हेल्प करने वाले खड़े होते हैं, ठीक है, कौन सी टैक्सी लेनी वो बता देंगे आपको। हमें उबर थोड़ी सस्ती पड़ रही थी तो हमने उबर एक्सेल बुक कर लिया। इसमें सब चले जाएंगे, कम्युनिकेशन में ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इवन हांगकॉन्ग टैक्सी ड्राइवर कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। तो फेयर की बात रही इस तरह से कि आप मेट्रो चूज कर सकते हो, और आपको अगर थोड़ा सस्ते में जाना है, आपके पास लगेज ज़्यादा नहीं है, तो आप बस चूज कर सकते हो। बस थोड़ा टाइम लेता है और टैक्सी वगैरह आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। हांगकॉन्ग में आपको टेस्ला कार हर जगह देखने को मिल जाएगी। ये देख सकते हैं आप दूसरी यहाँ टेस्ला। पूरे हांगकॉन्ग में आपको ब्रिज और स्काई स्क्रैपर ही दिखेंगे चारों तरफ। और इसका रीज़न क्या है कि इतने सारे ब्रिज और स्काई स्क्रैपर? क्योंकि ये आइलैंड है, हिल्स पे बसा हुआ है। एयरपोर्ट से होटल की दूरी अप्रॉक्सीमेटली 18-19 किलोमीटर थी और 20 मिनट लगा होगा पहुंचने में। सो होटल हम लोग पहुंच चुके हैं और ये होटल का अंदर का व्यू, और बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव एंड पीस।